जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसी आपकी क्रियाएं होंगी, और जैसी आपकी क्रिया होगी वैसी ही आपकी आदतें बनेंगी, और जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका चरित्र बनेगा। अगर आप अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को सुधारिए। आदतों को अगर सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने व्यवहार को सुधारिए। व्यवहार को अगर सुधारना चाहते हैं तो पहले अपनी जबान को सुधारिए, और जबान को अगर सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सुधारिए। इंसान की सोच, तीन तरह की सोच पैदा होती है। एक होती है नेगेटिव सोच, दूसरी होती है पॉजिटिव सोच, और तीसरी होती है न्यूट्रल सोच। पहली सोच कौन सी? नेगेटिव, नंबर दो पॉजिटिव, नंबर तीन न्यूट्रल। जब जब आदमी क्रोध करता है, वैर करता है, ईर्ष्या करता है, किसी के साथ जलेसी करता है, चलते हुए के बीच में अपनी टांग देकर उसे गिराता है, तब तब आदमी नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है। और जब जब आदमी किसी के द्वारा गलती किए जाने के बावजूद उसे माफ करने को तैयार हो जाता है, जब जब आदमी किसी के द्वारा क्रोध किए जाने के बावजूद अपनी ओर से उसे शरबत पिलाने के लिए तैयार हो जाता है, तब तब आदमी की सोच सकारात्मक बन जाती है। और जहां आदमी के भीतर न नकारात्मक न सकारात्मक, केवल दिमाग में विचारों की धाराएं चलती रहती है, उस धारा का नाम है न्यूट्रल सोच। कॉलेज जाकर आपने पढ़ने की कला सीखी, MBA करके आपने बिजनेस मैनेजमेंट की कला सीखी, इंजीनियर बन करके आपने मशीनों को चलाना और बनाना सीखा, लेकिन दुनिया की किसी भी कॉलेज में, दुनिया के किसी भी विद्यालय और विश्वविद्यालय में आदमी को एक कला नहीं सिखाई जाती, और वो होती है सोचने और बोलने की कला। ये कला सीखने के लिए आपको किसी चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की पाठशाला में आना होगा, किसी चंद्र प्रभु या ललित प्रभु की पाठशाला में आना होगा, ताकि आप सोचने की कला जीवन में सीख सके। क्योंकि जैसा, फिर दोहराता हूं, जैसा आदमी सोचेगा वैसा ही बोलेगा, व्यवहार करेगा, क्रियाएं करेगा, आदतें होंगी, चरित्र बनेगा। इसलिए मूल को अगर आदमी सुधार ले तो इंसान अपने जीवन में सफलता के द्वार खोलने में निश्चित तौर पर समर्थ हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के अगर द्वार कहीं से खुलते हैं तो दुनिया की महान मशहूर कंपनी सोनी, उसी के डायरेक्टर ने कभी कहा था अकिको मुदितो ने कि पॉजिटिव थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। किसी भी तरह के सफल उत्पादन के पीछे अगर किसी की भी भूमिका रहती है तो वो होती है इंसान की महान और सकारात्मक सोच। आज की तारीख में इस दुनिया में अगर जरूरत है हर परिवार, हर समाज, हर देश के लिए अगर किसी भी चीज को जरूरत है तो एकमात्र इस बात की जरूरत है कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे तब्दील कर डाले। मन की उलझनों से सब परेशान हैं। सबको पता है क्रोध बुरा है, ईर्ष्या बुरी है, राग द्वेष बुरे हैं, पर बुरा 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 सोचने मात्र से कोई व्यक्ति उस बुराई से मुक्त नहीं हो जाता। बुराई से मुक्त होने के लिए आदमी को नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में आदमी कैसे तब्दील कर सके, ये आदमी को कला आनी आवश्यक है। कि हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ हमारे कदम कैसे बढ़ जाएं।